नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीक्स पे सभी लोगों का स्वागत है। योगी सरकार ने राज्य के उन सभी मदरसों के सर्वे के आदेश दिए हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इस सर्वे टीम में SDM, BSA और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन असुद्दीन अवैसी को ये पसंद नहीं आया योगी का आदेश, और उन्होंने इस सर्वे को सर्वे नहीं बल्कि मिनी NRC बताया है। अवैसी ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि राज्य में सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं, फिर सरकार ने ये आदेश क्यों जारी किया है? ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा NRC है। कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो UP मदरसा बोर्ड के तहत हैं। ओबीसी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और इसमें सरकार किसी तरीके का दखल नहीं दे सकती। ये केवल और केवल मुसलमानों को तंग करने की एक साजिश है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को जांचने परखने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने मदरसों की बेहतरी के लिए कई और कदम भी उठाए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और बच्चों के देखभाल के लिए अवकाश की व्यवस्था और ट्रांसफर इसमें मेन है। राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने का फैसला लिया है और इसे जल्दी ही पूरा किया जाना है। सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी है या किराए के भवन में चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी, पूरा इसका डेटा, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं, प्रॉपर वहाँ फर्नीचर है या नहीं, बिजली की सही व्यवस्था है या नहीं और शौचालय की व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं जो है इकट्ठे की जाएंगे। क्या राज्य सरकार इस सर्वेक्षण के बाद नए मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करेगी? तो इस सवाल पे राज्य मंत्री ने ये कहा है कि अभी सरकार का मकसद सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचना इकट्ठा करना है। उत्तर प्रदेश में इस समय 16,461 मदरसे चल रहे हैं, इनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया है और ये जो योगी सरकार का आदेश है, इस आदेश के मुताबिक अब मदरसों में प्रबंध समिति के विवादित होने या समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में मदरसे के प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्तियां कर सकेंगे। इससे पहले प्रबंध समिति में कोई समस्या आने पे मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये एक बड़ा बदलाव है और अब सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर संबंधित मदरसे के प्रबंधकों की सहमति और राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। अब मदरसों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश भी मिलेगा। शिक्षकों ने इस पे काफ़ी खुशी जताई है, लेकिन ओबीसी इससे नाराज है। उन्हें ना जाने क्यों इस आदेश पे एतराज है, जबकि आप देखिए टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमा ने राज्य सरकार के इन फैसलों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हर बार
किसी भी ऐसे नए आदेश पे जो किसी मुस्लिम समाज से जुड़ा होता है, बिना ये जाने सोचे कि ये मुस्लिम समाज और उनके बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला होगा, ओबेसी ज़रूर इसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगाते हैं। दोस्तों, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा आदेश जारी किया है, और इससे जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, खासतौर पे जो महिलाएं हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर आपसे मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।